लेकिन जहां से डिबेट शुरू हुई थी, जहां से डिबेट, भाई देखिए मैं नहीं जानता आपको, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से सर जी, आराम से, कोई ऐसा नहीं, युद्ध नहीं कर रहे हैं वो। राजेश पासवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिबेट का जहां से आगाज हुआ था उसमें मायावती जी ने सवाल पूछा था कांग्रेस से, बीजेपी ने नहीं पूछा था, मायावती जी ने सवाल पूछा था कि भाई आप डोजो यात्रा निकाल रहे हैं तो मुझे ये सवालों के जवाब दीजिए, पेट भरे लोगों के लिए डोजो और अन्य खेल का महत्व से मैं इनकार नहीं करती, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से जूझ रहे करोड़ों परिवार का क्या, यह सवाल बहन जी ने पूछा था, और एससी और एसटी के संदर्भ को लेकर। इससे पहले एक मैं कहना चाहूँ, जब बिल्कुल आप फ्री हैं, आप बोल सकते हैं। जब भी कोई डिबेट होती है तो एक सवाल आता है, क्या पहलवान जी हर कुश्ती में एक ही दांव लगाते हो? तो जितने भी राजनीतिक प्रवक्ता हैं सभी पार्टियों के, सारे लोग उनके पास एक ही तरीके का रटा रटा जवाब है, लोग टीवी देखने से बचना चाहते हैं। देखिए कितनी विमर्श की चीज है ये, सोचने वाली चीज है कि जैसे ही सवाल पूछा जाता है बंगाल का, राइट हैंड के तरफ से आदमी निकल के तेजी के साथ आता है, कहता है मणिपुर पे नहीं कहेंगे। जैसे ही मणिपुर का सवाल सामने रखा जाता है वैसे ही सामने से बगल के आदमी निकल के आता है, अच्छा तो फिर आप फरुखाबाद का सवाल नहीं पूछेंगे आपसे? तो ये एक के वजह से कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है, ये हमारी नैतिकता है और ये हमारा समाज है। इससे सबको लगता है कि रोटियां सेकी जा रही है, मुद्दे के साथ कोई ईमानदारी से खड़ा नहीं हुआ है, ये आम जनता समझती है। जहां तक आपका सवाल था, देखिए मैं आ रहा हूं भाई, एक मिनट भाई साहब मैं समझा नहीं आप, भाई साहब मैं जाना नहीं, आपका परिचय नहीं मिला मुझे, कहां से आना हुआ आपका? शाहदरा से। कोई तपस्या कर रहे क्या? नीचे कर लीजिए हाथ। क्या काम करते हैं सर? बिजनेसमैन, बिल्डर का काम है। बिल्डर का काम है, फ्लैट बनाने बेचने का जी? फ्लैट बनाने बेचने का काम है जी। आराम से रहेंगे थोड़ी देर? हाँ जी, फ्लैट तो बिकेंगे आपके। ओके, ओके। जी पासवान साहब, तो अगर थोड़ा सा सीख लेंगे तो काम आएगा जी। दूसरी एक प्रवृत्ति में कहना चाहूंगा, व्यक्ति और राजनीति पे नहीं कहूंगा मैं जी। देखिए सारी राजनेताओं द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि सत्ता प्राप्त करें। जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो वही सारे कामों को सत्ता वाले आलोचना करते हैं जो पहले कर चुके होते हैं। जो विपक्ष में होते हैं वो प्रयास करते हैं कि इन्हीं तरीकों से हम सत्ता प्राप्त करें। तो सत्ता प्राप्ति का ये सारा खेल है जी। यह है कि सत्ता प्राप्ति में जनता के कैसे इमोशनल मुद्दों को टच किया जाए, उन इमोशनल मुद्दों को टच करने का सारे लोग प्रयास करते हैं। बीजेपी ने भी किया, इंडिया अलायंस भी करती है। मजेदार बात एक और भी है कि कांग्रेस को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल जो आज इंडिया अलायंस में है कभी ना कभी बीजेपी के अलायंस रह चुके हैं। तो ये राजनीतिक गठजोड़ है, बुरा नहीं है, होना चाहिए। जहाँ तक बहन जी का मामला है, बहन जी भी सत्ता से बहुत दूर जा चुकी हैं 2012 के बाद से। एक समय में 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको लगा कि जिस जनता की वकालत वो करती हैं उस जनता से कट गई हैं, दूर गई हैं। तो जनता को अपनी तरफ लाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जब आपकी लड़ाई सत्ता पक्ष से सत्ता प्राप्ति के लिए है और आप सत्ता पक्ष के पक्ष में बैटिंग कर रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बी पार्टी की तरह काम कर रही हैं? ये एक विश्लेषण है और ये विश्लेषण जो तमाम सोशल इंजीनियरिंग के या सोशल साइंटिस्ट होते हैं, आप जेएनयू के हैं, प्रोफेसर हैं, एक सवाल इन्होंने अपनी बात कही और विश्लेषण के साथ बात की जी। मैं पूछूंगा आराम से जनाब। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर खड़े हैं इंक्लूडिंग बीजेपी, ये सिर्फ मतलब राजनीति के चक्कर में बातें रखना जानते हैं, एक दूसरे को लांछन लगाना जानते हैं, पर वेस्ट बंगाल में एक्चुअली एक्शन होता क्यों नहीं है? मतलब तो क्या होना चाहिए वेस्ट बंगाल में? मैं वही इनसे पूछना था, इससे इतनी कॉन्स्टिट्यूशन पावर की ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा देना चाहिए। कोई ताकत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे गणतंत्र में कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए कि उसको हटा के हटाओ वहाँ से? इतना फिर क्यों सोचना? इतने सालों की प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में अब तक चली आ रही है, रोज न रोज आप कुछ ना कुछ सुनते आ रहे हो। कल को वहाँ पर किसी का रेप हो रहा है, कल वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो कब तक सहते रहेंगे सर? राइट, मैंने एक पॉइंट लिया। हाँ जी जनाब, इतने हिंदू मारे जा रहे हैं। हाँ जी आगे आइए। क्या नाम है साहब? नाम भी बताना पड़ेगा? नहीं नाम वैसे जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है नाम की, लेकिन परिचय तो लेता ही ना आदमी, जहाँ जाता है तो पूछता है भाई साहब कैसे हैं आप, कहाँ से आना हुआ? नाम हमारा राकेश। कितना अच्छा नाम है आपका जी? गाजियाबाद में रहते हैं जी। बोलिए आप, बोलिए आप। इसे बांग्लादेश के अंदर इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, ठीक, यहाँ के नेताओं का क्या जवाब है? मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, यहाँ के नेताओं का क्या जवाब है जो इतने हिंदू राज के देश की बात करते हैं
मुझे सिर्फ वही जवाब चाहिए बस। जी ठीक है, पहले इन्होंने बोला कि हाँ जी जनाब कहाँ से आना हुआ? जी दिल्ली से ही हूँ मैं। हाँ जी, मैं कांग्रेस से एक जवाब भूज रहा हूँ। जो कांग्रेस अभी यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हाँ भारत यात्रा, हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये कितनी सीटें लेकर आई है, जो ये बीजेपी को बात कर रहे कि उसका ये बेनिफिट मिलेगा 99 सीटें, और बीजेपी 240 लेकर आई है अपने दम पे। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये जवाब दे ना, पब्लिक ने इनको क्या दिया है? दिखावा करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ये ओनली बीजेपी और। अच्छा मैं तुम्हारा तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इन दोनों के चक्कर में तुम काहे फंस गए बीच में? नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? असम तेजपुर। हाँ जी असम तेजपुर से आए हैं। असम तेजपुर से आए हैं, आपको हम अभिनंदन करना चाहते हैं। नहीं हमारा अभिनंदन होगा, पहले ये बताइए तेजपुर से कैसे आए, कैसा हुआ आना हुआ? हम इसी प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं और आपसे भेंट। अरे बड़े अच्छा, तो रिटायर आदमी हैं आप ना, अब रुकिए दो चार पाँच दिन रुकिए, फिर आज आज तो जरा टाइम कम है, फिर असम पे बात करेंगे, असम की बड़ी खबरें आती हैं तो असम पे जरूर बात करेंगे। जी जनाब, हाँ जी बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ इस देश की जनता को, अभी उन्होंने कहा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, मैं देश की जनता को यहाँ अपने देश की बात करो, पहले देश की बात कर रहा हूँ। हाँ। बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है, कहते तुम दलित हो के यादव हो के ब्राह्मण हो के बनिया हो, वहाँ सिर्फ यही हो रहा है कि हिंदू है इसका मारो, ये यही हो रहा है वहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाति में मत बटो, एक रहो। आज कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया हमारे? एक मिनट, मैं प्रोफेसर राजेश जी जब ये बोल रहे थे कि जाति पे ना बटो सब लोग एक हो, तो मैं उनको सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक ही जैसे लोग कभी एक ही जैसा बोलते हैं तो कोई नया चीज तो आती नहीं है। लेकिन मैं देख रहा था इस बात का रिएक्शन कहां सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा रिएक्शन हुआ समाजवादी पार्टी में। अब मैं नहीं देख रहा हूं लेकिन देख के उधर ही बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा तुरंत रिएक्शन हुआ, बोला।